क्या नाम है? मिश्रा देवव्रत। कहाँ से? गुजरात अहमदाबाद। गुजरात अहमदाबाद। कितने नंबर एस एस जी डी में? 84.5। 84.5 कैटेगरी? जनरल। जनरल कैटेगरी। नाम क्या बताया? मिश्रा देवव्रत। मिश्रा देवव्रत। खड़े हो जो सीधे। ये जो चीज़ें हैं, जिस भी भगवान को और महाराज को आप मानते हैं, उनको क्या कर देना, उस समय थोड़ी सी देर के लिए उनको दूर कर देना अपने से। हाँ, ये कड़ा, ये सब नहीं रखना भाई मेडिकल के दौरान। जब भी आपका हो, इसको क्या करना है, दूर करना है। ECG हो गई आपकी? नॉर्मल थी? ठीक है। ध्यान रखना, पहली बार किसी की भी ECG होती है, थोड़ी हार्ट बीट ज़्यादा आती है, तो घबराना नहीं। एक दो बार हो जाएगी तो फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। 6x6 आइज टेस्ट हो गई थी ना? 6x6 है। कलर विजन कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डेमो आपको कलर विजन का दे देते हैं भाई इनको, सिर्फ एक वर्ड पढ़ के बता दें। 2 2 6 5 7। इसका मतलब है फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी चेक हो गया ना। अब कितने नंबर बताए थे? 84.5। चलिए इसको बताते हैं, इसके शरीर में कौन कौन से मेडिकल पॉइंट है जिनको पॉइंट मिल सकता है, ठीक है? देख लीजिए आप भी साथ में मेरे साथ। आपको गर्दन नहीं घुमानी है, आइज इसकी तरह घूमनी चाहिए। देखिए किस प्रकार से इसकी आइज घूम रही है। ये वीडियो आपने कई देखे होंगे, इस प्रकार से मेडिकल चेक होता है, ठीक है? मुँह खोलो। आपके कम से कम 28 दांत होने चाहिए। दांत अगर आपके डिसबैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर आप पीछे अगर दांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंद कर लो। आपके दांत में अगर कान में, जैसे इनका चेक किया था अभी, आपके कान, ध्यान रखना कोई रस्सी वस्सी कुछ बहता है तो उसका इलाज अभी से करा सकते हो। अगर छोटा मोटा ऑपरेशन भी अगर कोई डॉक्टर बोलता है, करा सकते हो। SHGD के मेडिकल में आर्मी में प्रॉब्लम होती है, SHGD के मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं होती इतनी, ठीक। आई 6x6 है ना? ठीक। ओके, हाथ यूं करो। हाथों में आपके कंपन नहीं होना चाहिए, जैसे इसका नहीं है। उंगलियां यूं करो, यूं बंद करो। आपकी उंगली इस प्रकार से वर्किंग होनी चाहिए। ओपन करो, क्लोज। ये चीज़ें वहाँ चेक होगी वो बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। इस प्रकार से बराबर आपकी वर्किंग, जैसे उदाहरण के लिए मेरी उंगली के देखो कट लगा हुआ है यहाँ, इससे प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी उंगली इस प्रकार से पूरी वर्क कर रही है तो। समझ गए बात को? ठीक है। इस प्रकार से आपकी गेप होना चाहिए यहाँ पर। अगर ये टच हो रही है तो फिर क्या हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको बिल्कुल आराम से खड़ा होना है। यहाँ गांठ नहीं होनी चाहिए आपके चेस्ट में, ठीक है? फुलाओ सीना ऐसे। 10 से गिनती बोलो। 10 9 8। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार और बोलो। 10 9 8 7 6 5 3 2 1। चेस्ट फुला के क्या चेक किया जाता है? चेस्ट नहीं चेक किया जाता, चेस्ट फुला के लंग्स चेक किए जाते हैं कि आपके लंग्स बराबर है या नहीं है, ठीक है? यानी किसी के अस्थमे की प्रॉब्लम होती है ना, उसका पता चल जाता है, क्योंकि वो सांस को कंट्रोल नहीं कर पाता ना, उसका पता चल जाता है। बस अगर इतनी देर रख लिया, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी आपका हो ही गया ECG, प्रॉब्लम नहीं है। सीधे खड़े रहो, टेढ़ा क्यों खड़ा है? देखो सीधा खड़ा हो, नॉर्मल, थोड़ा सा ऐसे हो। ये खड़े होने की पोजीशन का भी विशेष ध्यान रखना, वहाँ पर पैर मिला लो, नीचे झुक जाओ, झुक जाओ आगे इधर। आप सोच रहे हो सर खांसने वाला वीडियो तो ऐड नहीं कर रहे, उस वो ऐड नहीं करेंगे भाई, वो नहीं बताएंगे। बताएंगे खांसने वाला वीडियो तेरा, ये मना कर रहे हैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, खसाते भी ऐसे खांस। हाँ, खांसने वाले वीडियो में ध्यान रखना, पीछे का होल चेक करते हैं, उसमें क्या करते हैं, पाइल्स और बवासीर चेक करते हैं। जिसके पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, उसके कुछ भी तीखा खाने से जलन शुरू हो जाती है। जिसके बवासीर की प्रॉब्लम होती है लाडलो, उसके या तो पोटी के साथ में ब्लड आएगा, या उसके कुछ ना कुछ चमड़ी बाहर रहेगी, जिसकी वजह से उसको बैठने उठने में प्रॉब्लम रहेगी। ये दो प्रॉब्लम नहीं है तेरे, पक्का? गोलियां बराबर है, दो ज़्यादा तो नहीं है, दो से कम भी नहीं है, दो है, बराबर साइज में है, बराबर। लिंग की चमड़ी जाती है ऊपर? नहीं, वो बचपन में थोड़ा
प्रॉब्लम हुआ था सर। तो क्या हो रहा है उसमें? जलन हो रहा था तो ऑपरेशन किया था, 2 साल का था तो। हाँ तो क्या हुआ उसे? चमड़ी पीछे कर दिया था। पीछे जा रही है ना? पीछे कर दिया का परमानेंट। हाँ वो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। जिसकी नहीं जाती है उसको बोलते हैं फिमोसिस। ध्यान रखना फिमोसिस के लिए, जैसे इसका बचपन में किया वैसे मुस्लिम बच्चों के वो करते हैं ना, कटना क्या बोलते हैं वो कर देते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, कोई परेशान नहीं है। आपकी चमड़ी पीछे जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि ना जाए। क्लियर है ये चीज़? तो सब ठीक है वो तो? ठीक है, फिर मिला पैर, इधर घूम जा। पीछे प्रॉब्लम नहीं है? पाइल्स की बवासीर की दोनों कोई शिकायत नहीं है? चलो ठीक है, विश्वास कर रहा मैं तेरे पे। हाँ सर कुछ हाँ, नौकरी की प्रॉब्लम नहीं है भाई, इस लाडले को बिल्कुल बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट जा ऐसे ही। फिर देखा पंजे तेरी तरफ कर। हाँ तेरी तरफ कर पंजों को। ये देखो भाई इसके फ्लैट फुट नहीं है, यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना, बाकी पैर अलग दिख रहा है। ले रहे भाई वीडियो में नीचे बैठ के देखो, अगर इसके फ्लैट फुट रहता तो जो ये मिट्टी विट्टी जो लग रखी है वो यहाँ पे भी लगी हुई होती ना। ये देखो यहाँ की चमड़ी बिल्कुल क्लीन दिख रही है, एक चांद टाइप का बन गया है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए आपका भी, अगर आप मेडिकल फिट होना चाहते हो तो ध्यान रखिए। हैं बन रहा ना चांद? ये चांद ही बनना चाहिए, समझ गए? खड़ा हो जा भाई, ये पीछे जो वेरिकोज की प्रॉब्लम होती है ऊपर जम सिरकर, उसको उस प्रकार से जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपके वेरिकोज की प्रॉब्लम है तो चेक करा सकते हो। ओके था इसके नहीं है, क्योंकि इसकी अभी मैंने पहले चेक कर ली थी, इसलिए इसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मोटा मोट यही मेडिकल होगा, इसके अलावा जो चीज़ें होगी वो मैंने बता दी। एक ब्लड टेस्ट होगा जिसमें आपकी आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है कितना नहीं है, ईसीजी हृदय के लिए चेक होती है कि आपकी हार्ट बीट कैसी है, हृदय कैसा है, स्वस्थ है या नहीं है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट होता है जिसे शुगर और किडनी का पता करते हैं। उसके अलावा अक्सरा होता है जिससे आपके रीढ़ की हड्डी का पता करते हैं। समझ गए भाई, ये है पॉइंट है। अगर आपको भी इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताना। ओके।